अपन ने चैप्टर डिवाइड करे हैं, एक्स कैटेगरी में कौन से चैप्टर आते हैं जो एकदम मस्त है भाई, इनके बिना तो एग्जाम देने भी मत जाना, वो एकदम मस्त है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है कि ये तो आपको पढ़ना ही है यार, ये तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो भी पढ़ना है भाई। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, ट्वेल्थ में ड्रॉप में आगे बढ़ रहे हो, तो ये तो पढ़ना ही है। इलेवेंथ में पढ़ा ही था तुमने, आगे भी पढ़ोगे भाई। अगर ड्रॉप लोगे तो केमिकल बॉन्डिंग फिर से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ट्वेल्थ में हो तो केमिकल बॉन्डिंग फिर से पढ़ना पड़ेगा, इलेवेंथ में तो पढ़ा ही जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जिससे तुम बचकर निकल ही नहीं सकते। इसके बिना केमिस्ट्री की आगे की चीजें नहीं समझ आएंगी, ज्योमेट्री शेप वगैरह कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर है ना। सेकेंड चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम भले ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन इसी में ही मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के अंदर समाई हुई है। मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के अंदर है बेटा। तो जीओसी पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी पकड़ आपकी जीओसी पर होगी, आगे की केमिस्ट्री बहुत स्मूथ चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। अब जीओसी में एक टॉपिक होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कहां कहां तक आता है यार वो, हेलो एल्केन हेलोरीन में भी आता है, एल्कोल ईथर फिनोल में भी आता है, आगे तक चला जाता है वो। इतना इंपॉर्टेंट होता है जीओसी। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये तो भाई ये सबसे पहले आप तैयार करो। हम तो खैर लेक्चर प्लानर के सीक्वेंस में चलेंगे, अगेन 2.0 बैच में, लेकिन अगर आप तैयारी करने बैठ रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर फोकस में रहना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो अपन बेसिक से ही सारा, लेकिन दिमाग में होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन। तो ये जो सारे चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये तो भाई साहब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन भाई साहब, नीट वाले पूछ लेते हैं सीधी सीधी नेम रिएक्शन, तो ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन रेडी रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पर पकड़ रखनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर पकड़ रखनी है। सर पकड़ कैसे रखेंगे? पढ़ेंगे ना यार, हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे अपन, ठीक। आपके कुछ डाउट होंगे वो सॉल्व करेंगे अपन, आपके टेस्ट होंगे, आप टेस्ट का एनालिसिस करोगे, सारी चीजें सब पे मेहनत करेंगे, सब पर। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने के लिए तैयार। क्या बोला मैंने? चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार रहो, आगे का काम सब आसान हो जाएगा, ठीक है।